तो क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किसके लिए खाना चाहिए। अगर डॉक्टर ने भी कहा ये चाहिए इसके लिए ये, जैसे आपको कहा कि चीनी नहीं खाना चाहिए, शुगर है, तो क्या करेंगे? हाँ, चीनी खराब नहीं है, चीनी को जो सफेद करने के लिए जो गंधक यूज करते हैं, फास्फोरस गंधक, वो विष है, सफेद करने के लिए। गुड़ खा लो, हर चीज में गुड़ डालो, चीनी में, चाय में गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ खराब नहीं है। लेकिन चीनी क्यों खराब है? चीनी के अंदर जो सफेद करने के लिए गंधक यूज करते हैं, गंधक विष है, सफेद चाहिए, तो उसके लिए नहीं खराब। गंधक गुड़ खराब नहीं, गुड़ डालो हर चीज में, हर चीज का निवारण है। यही खाना चाहिए, यही नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं, क्या खाने से क्या होता है उसका ज्ञान चाहिए। ठीक है, तन ठीक, खाना ठीक। अब आया आचरण। माताजी के घर में जाओ बैठो, जब मक्खी है, मच्छर है, मच्छर काटते किसको काटेंगे? माताजी को काटेंगे। आज एक डेंगू की बीमारी होती है, मच्छर की 2 लाख रुपया खर्चा है, तो क्या करना चाहिए? माताजी ने सवेरे उठते घर में सफाई करो, जाली नहीं लगनी चाहिए, पानी स्नान करते हो गटार में जा रहा है, मच्छर किसको काटेंगे? आपको ही काटेंगे। तो घर के चारों तरफ झाड़ लगाओ, जो स्नान करते हो, बर्तन साफ करते हो, पानी झाड़ पीकर आपको ऑक्सीजन देगा, प्राणवायु कहां से मिलेगा? झाड़ देगा ना, घर के चारों तरफ झाड़ लगाना चाहिए। पानी ऐसे ही जा रहा है तो सड़ता है, तो घर के अंदर सफाई पहले चाहिए। खाना खाया, थाली ऐसे ही रख दिया, कल सवेरे धोएंगे, वो सड़ता है, बारीक जर्म्स बनते हैं, मच्छर बनते हैं, मक्खी होती है, सफाई नहीं है। सवेरे उठते ही खटिया साफ करने चाहिए, बिस्तर फोल्ड करके रखना चाहिए, सवेरे उठते ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए, सफाई नहीं कर। दिवाली के एक दिन सफाई करते हो, लक्ष्मी रोज चाहिए, दिवाली में एक दिन चाहिए, एक ही दिन बस, रोज नहीं चाहिए, रोज चाहिए? आपके घर में लक्ष्मी रोज आए तो चलेगा? नहीं भाई जी, साल में एक दफा बस, वो लक्ष्मी आएगा तो सफाई करना पड़ेगा ना। तो रोज जिसके घर में सफाई है उसके घर में लक्ष्मी, तो रोज सफाई, मक्खी नहीं होनी चाहिए। देखो आपको इधर बैठे हो, एक भी मक्खी मिली? हाँ, देखो मधुबन जाते हो, एक भी मक्खी है, मच्छर है? सफाई, पवित्रता पहले, सिर्फ शरीर आत्मा की इतना नहीं, शरीर की भी पवित्रता चाहिए, घर की भी, घर को ग्रस्त का घर भी स्वच्छ, सफाई होनी चाहिए घर के अंदर, कपड़े, खाना, रहना, जाली लगी हुई है, कई मच्छर है, मक्खी है, घर के बाहर भी। अभी माता है, भाई भी क्या कहते हैं, ट्रेन में जाते हो, कुछ खाते हो, प्लास्टिक कहाँ फेंकते हो? कहाँ फेंकते हो? रस्ते पर फेंकते हो, तो कौन, भारत किसका है, आपका कि गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट करेगा। देखो मैं सबसे पहले कानपुर में आया आज से 10-15 साल पहले, रियली बताता, 15 साल पहले की बात, आज की नहीं। अभी गवर्नमेंट अभी भारत को स्वच्छ कर रहा है, अभी 15 साल कम से कम हुआ, सबसे पहले आया था, तब मैंने देखा गोविंद नगर करके एक सेंटर है, तो वहां जा रहा था, जाते समय सारा सीमेंट का रास्ता है, लेकिन अंदर रास्ते से गाड़ी से आया तो देखा खारे प्लास्टिक में थैली सब्जी डाल के खराब कर, कितनी प्लास्टिक की थैली रस्ते पर फेंकी है गाँव वालों ने, गाँव आजू बाजू में मकान है, खिचड़ा सभी सब्जी का, रोटी खराब, सब रस्ते पर फेंके, थैली थैली। मैंने देखा ये सारे रस्ते पर ये थैली किसके लिए, कैसे, कौन फेंकता? देखा बाजी वाले मकान। फिर सेंटर में हॉल में बैठ के क्लास किया, क्लास के बाद कहा, हमने कहा ट्रैक्टर किसके पास है, कि दो लोगों ने हाथ उठाया, फिर अगर फावड़ा किसके पास है, किसने कहा? दो लोगों ने। हमने कहा एक घंटा भारत को स्वच्छ करने से पहले गोविंद नगर को, गोविंद की दुनिया पर स्वच्छ करना चाहिए, कौन कौन सेवा करेंगे? वो बहन जी ने नीचे सुन लिया, बहन जी सेंटर में थी, उसने तुरंत फोन किया उसको म्युनिसिपैलिटी को, 1 घंटे के अंदर हम नीचे आए, रास्ता साफ। तो रास्ते पर ये गंदगी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट करेगा। हमने खाना बनाया तो सब्जी बची, सिल के बच्चे प्लास्टिक में डाला, रास्ते से बाहर फेंक दिया, ये रास्ते में कचरा किसने फेंका? तब माता गुरु ने, तब उन्होंने कहा इस भारत को स्वर्ग कौन बनाएगा? माताओं को, बच्चों को सिखाना, बच्चे केला खाया इधर उधर नहीं फेंकना है, ट्रेन में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, एक प्लास्टिक की थैली रखो। मैं आपको अपना आंखों देखा बताओ, ऑस्ट्रेलिया में एक बार गया था, बहुत बड़ा ग्राउंड है, सब सेंटर में सवेरे क्लास हुआ तो सब सेंटर वाले 2-4 गाड़ी करके पिकनिक में लेके गए, तो बहुत बड़ा ग्राउंड पर हम एक जगह बैठे खाना खा रहे थे,
मेरा खाना खा के हो गया, मैं ऐसे बैठा था, एक छोटी सी लड़की, इससे भी छोटी लड़की दौड़ दौड़ के जा रही है। कहाँ जा रही है? देखा इस कोने में एक कचरे का डब्बा है, उस लड़की से भी वो डब्बा बड़ा है। और वो लड़की लड़की दौड़ के गई, वो कागज माँ बाप ने दिया डब्बे में डालो, वो डब्बे में जाता नहीं, ऐसे को फेंका नीचे गिरा, फिर उठाती फिर डालती है, कम से कम 5-6 दफा। जब तक वो कागज डब्बे में नहीं गया तब तक वो लड़की वापस नहीं गई। आज ये बच्चों को बोलो बच्चे ये बाहर फेंक रहे हो, इधर ही फेंक के आ जाएंगे। कारण कौन? बच्चे खराब, माता गुरु ने शिक्षा नहीं दिया। बच्चे इस कागज को डब्बे में ही डालना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, रस्ते में कहीं थूकना नहीं चाहिए। केला खाया, एप्पल खाया, कुछ खाया, प्लास्टिक फेंक दिया, ये रस्ते पर सारे प्लास्टिक किसने फेंका? कौन सफाई करेगा? भारत किसका है? गवर्नमेंट का है। क्या कहते हो? हमारा भारत कहते हैं ना, तो हमारे भारत की सफाई कौन करेगा? तो ये नंबर वन पवित्रता है। तब बाबा ने कहा हम अपने तन, अपने मन, अपने धन से, अपने कर्मों से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। शिव बाबा के स्वर्ग नहीं बनाता है, ज्ञान देता है। तो हमारे कर्म चाहे कभी भी रस्ते पर जाते हो, ये नंबर वन पवित्रता है। कभी भी कुछ खाते हो कहीं भी थूकना नहीं। जैसे चाय पिया, मैंने देखा कल चाय का कप यहां सीढ़ी पर ही रखा हुआ है, पिया वहीं रख दिया। तो ये ज्ञान पवित्र ब्रह्मा कुमार कहेंगे, सत्युग में जाएंगे तो ऐसे करेंगे? अगर यहां शिक्षा नहीं मिली तो सत्युग भी 2 दिन के बाद कलयुग बन जाएगा। भगवान कहेगा मैंने सत्युग बनाया था, 2 दिन के अंदर कलयुग बनाया, किसने बनाया? हाँ, हमारे आचरण, इसको कहते दैवी गुण चाहिए। घर के बाद झाड़ू लगाया, आजकल बॉम्बे जैसे जो चारों तरफ मकान है, इधर झाड़ू लगाया, माता जी ने यहां फेंका, कहां फेंका? दूसरों के घर के सामने। हाँ, फिर भी आप कहेंगे कचरा कहां फेंके? अभी प्रश्न आया कि म्युनिसिपैलिटी का डब्बा नहीं है, हर कोने में म्युनिसिपैलिटी का डब्बा चाहे वो नहीं है, क्या करें? ऐसे फेंके आ जाओ, तो वहां वो कचरा सड़ेगा, उसके मच्छर किसको काटेंगे? गवर्नमेंट को काटेंगे, म्युनिसिपैलिटी वालों को काटेंगे, आपको ही। तो क्या करें? घर के बाजू में एक खड्डा खोदना चाहिए, उस खड्डे में कचरा डालो, थोड़ा मट्टी डालो, खाद भी बन जाएगी, जमीन के अंदर दो, ऊपर ऊपर नहीं फेंकना, हवे से प्लास्टिक फैलता रहता चारों तरफ, इधर फेंका आपने, किधर से किधर फेंकता है? हवे से प्लास्टिक, दुनिया में देखो ट्रेन में जो वो कितनी गंदगी, ये किसने किया? कौन झाड़ू लगाएंगे? गवर्नमेंट भी कितना करेंगे? हम रोज गंदगी करते रहे और गवर्नमेंट सफाई करे, भाई जी बताओ क्या करना चाहिए? आपको ऐसे करना पड़ेगा ना, हमें करना नहीं चाहिए। मैंने पूछा आजू बाजू वाले घर वाले, रस्ते पर गाय आएंगी, गवर्नमेंट वाले साफ करेंगे, तो किचड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? तो ये नंबर वन पवित्रता। सिर्फ ज्ञान सुनना इतना ही नहीं, योग करना इतना नहीं, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता चाहिए, खाना स्वच्छ चाहिए, कपड़ा स्वच्छ चाहिए।